नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर। ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और कहता है कि इसमें से किसका एक्स प्लस वन जो है वो फैक्टर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट लेते हैं और लिखते हैं लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमने पी एक्स इक्वल टू ये ले लिया और यह जी एक्स दे रखा है हमारे पास जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है। फैक्टर पता करने के लिए आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू माइनस वन। नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पे p और ये 1 ले लेना है। p 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर 2 और प्लस ये माइनस 1 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस 1 के ऊपर पावर 3 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 के ऊपर पावर 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 और ये प्लस 1। तो ये हो जा रहा है माइनस 1 प्लस 1 जीरो, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, तो ये हो जा रहा है जीरो। तो ये जब जीरो आ जाए तो हम कहेंगे फैक्टर है और जीरो ना आए तो कहेंगे फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे यस एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, हमने इसको पी एक्स मान रखा तो यहाँ पे पी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से पहला पार्ट हमने किया, अब चलिए सेकेंड पार्ट भी करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है पी एक्स, हमारे पास क्या है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और जी एक्स तो वही सेम का सेम है, सब में एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब ये x प्लस 1 हो गया और ये जी एक्स हमारे पास दिया हुआ है। अब लिखेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वही चीज होना है x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो अब निकालेंगे नाउ p माइनस 1 इक्वल टू p माइनस 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस 1 के ऊपर पावर 4 प्लस माइनस 1 के ऊपर पावर 3 प्लस माइनस 1 के ऊपर पावर 2 प्लस ये माइनस 1 और ये प्लस 1। सॉल्व करते हैं, ये माइनस 1 के ऊपर पावर 4 हो गया, माइनस 1 के ऊपर पावर जब 4 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि जब ये माइनस 1 हो और यहाँ पे पावर अगर इवन नंबर हो तो ये प्लस में हो जाएगा और ये ओड नंबर है तो ये माइनस में ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे वाले में देखिए, ये माइनस 1 हो जाएगा और ये फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस 1 और ये प्लस 1। अब देखते हैं इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बच जा रहा है 1, ये 1 बच गया, तो 1 बच गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जा रहा है, वो जीरो नहीं हो रहा है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो एक्स प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर नहीं होगा। चलिए सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों ही आपको समझने में आसान भी होगी। अब चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी क्या करना है, हमें यहाँ पे ले लेना है पी एक्स, इसको मान लेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमने लिख लिया इक्वेशन और जी एक्स लिख लेना है वही एक्स प्लस 1। अब लिखेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम
बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। नाउ पी माइनस वन इक्वल टू, पी माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर, तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर फोर, और ये प्लस थ्री इंटू माइनस वन टू द पावर थ्री, और फिर प्लस थ्री इंटू माइनस वन टू द पावर टू, और प्लस वन और प्लस वन। ये अब देखिए माइनस वन के ऊपर पावर फोर तो ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो गया वन, और अब यहाँ पे देखना है क्या हो जा रहा है, माइनस वन के ऊपर पावर थ्री है तो ये हो गया माइनस वन, माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री, और फिर ये माइनस वन के ऊपर पावर टू तो माइनस वन, ये हो गया प्लस वन, प्लस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री, और फिर ये प्लस वन और ये फिर प्लस वन, ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जा रहा है तो बच जा रहा है हमारे पास थ्री, वन टू थ्री, ये तीन हो जा रहा है तो लिखेंगे नो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स का फैक्टर क्या है एक्स प्लस वन नहीं है। चलिए थर्ड हो गया, अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ में पी एक्स हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, और ये एक्स प्लस रूट टू, और जी एक्स, जी एक्स इक्वल टू वही है एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स का वैल्यू हो गया माइनस वन। अब यहाँ पे लिख लेंगे पी माइनस वन इक्वल टू, पी माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन के ऊपर पावर थ्री माइनस, माइनस वन के ऊपर पावर टू माइनस टू प्लस रूट टू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस रूट टू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन के ऊपर पावर थ्री तो ये माइनस वन हो जाना है, और ये माइनस वन के ऊपर पावर टू तो ये प्लस वन हो गया, लेकिन ये आगे ये है माइनस तो ये हो गया माइनस वन, और यहाँ पे अब देखना है माइनस वन और ये माइनस तो इक्वल टू हो जा रहा है प्लस, और ये हो जाएगा टू प्लस रूट टू और प्लस रूट टू, तो क्या हो जा रहा है ये माइनस टू प्लस टू, और ये हो जा रहा है रूट टू प्लस रूट टू, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है रूट टू और रूट टू हो गया टू रूट टू, टू रूट टू, तो यहां पे जीरो नहीं आया तो लिखेंगे नो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं, नंबर टू देखते हैं, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन इक्वेशन दे रखे हैं और इसमें कह रहा है कि आपको पता करना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, तो सेम जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो सेकेंड इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमारे पास पी एक्स इक्वल टू टू एक्स टू दी पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, और जी एक्स ये दे रखा है एक्स प्लस वन, तो यहां पर लिखना है आपको बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। नाउ पी और ये माइनस वन आया तो यहां लिखना है माइनस वन, पी माइनस वन इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है इसमें जहां भी आपको एक्स दिखता है उसमें आपको माइनस वन पुट कर देना है, ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन टू दी पावर थ्री प्लस माइनस वन टू दी पावर टू माइनस टू इंटू माइनस वन और ये माइनस वन। अब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वन के ऊपर पावर थ्री है तो माइनस वन के ऊपर पावर थ्री कहने का मतलब माइनस वन हो गया, माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा प्लस वन और ये माइनस टू और ये माइनस वन इक्वल टू ये प्लस टू और ये माइनस वन। तो ध्यान से देखते हैं तो क्या हो जा रहा है टू से टू कैंसिल वन से वन कैंसिल तो ये हो जा रहा है जीरो, तो लिखेंगे यस जी एक्स इज द
फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका आंसर हो गया यस, ये इसका फैक्टर है। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और जी एक्स गिवेन है हमारे एक्स प्लस टू। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला ऐसे सेकेंड पार्ट में भी निकालना है। मान लेना है यहां पर लिखना है बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू, इधर प्लस टू था दूसरे साइड जाने के बाद वो माइनस टू हो जाता है। अब क्या करना है, नाउ पी माइनस टू निकाल लेना है, पी माइनस टू अगर जीरो हो जाएगा तो ये फैक्टर है अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर जहां भी एक्स है तो ये हो गया माइनस टू के ऊपर, वहां पे क्या करना है माइनस टू पुट कर देना है, तो ये माइनस टू के ऊपर पावर थ्री प्लस हो गया थ्री इंटू माइनस टू के ऊपर पावर टू प्लस थ्री इंटू माइनस टू और ये प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो माइनस टू के ऊपर पावर थ्री तो टू टू जा फोर टू जा एट, ये हो जाएगा माइनस एट, और फिर ये क्या जाएगा टू टू जा फोर, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर थ्री जा ट्वेल्व, प्लस का हो जाएगा ट्वेल्व और ये हो जाएगा माइनस का थ्री टू जा सिक्स और ये प्लस का वन। अब इसमें क्या करते हैं, जो सिमिलर साइन वाले होते हैं उसको एक साथ प्लस कर लेते हैं, जैसे माइनस एट और माइनस सिक्स तो ये गया माइनस फोर्टीन और ये ट्वेल्व प्लस वन तो ये हो जाएगा प्लस का थर्टीन इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, लिखेंगे नो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और ये हो गया आंसर। तो ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री माइनस फोर एक्स टू द पावर टू प्लस एक्स प्लस सिक्स और जी एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री जी एक्स है। तो अब लिखेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हो जाएगा इधर माइनस थ्री है दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का थ्री। अब लिखेंगे नाउ पी थ्री इक्वल टू पी थ्री, अब यहाँ पे क्या करना है थ्री पुट कर देना है, थ्री पुट करने के बाद ये हो जाएगा थ्री के ऊपर पावर थ्री माइनस फोर इंटू थ्री के ऊपर पावर टू प्लस थ्री और प्लस सिक्स। सॉल्व करते हैं थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ये थ्री के ऊपर पावर थ्री है तो थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है थ्री इंटू थ्री और फिर थ्री से करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन और ये हो जाएगा माइनस, इसी तरह से यहाँ करेंगे थ्री थ्री जा नाइन और नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, पहले थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया नाइन हो गया, नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी सिक्स और प्लस थ्री और प्लस सिक्स। अब इनको प्लस कर देना है सिक्स प्लस थ्री नाइन और नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू, ये भी हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू हो जा रहा है जीरो, ये थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो जैसे हो जाएगा तो लिखेंगे यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स क्या है पी एक्स का फैक्टर है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं इस वीडियो के जस्ट बाद और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।